अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से हों और अल्लाह पाक सबको खैरियत से रखे, आमीन। आज है संडे और संडे तो सबके लिए बहुत वो होता है, मंडे से ज़्यादा बिजी होता है मुझे ऐसा लगता है। ऑफकोर्स मंडे से ज़्यादा बिजी होता है मुझे ऐसा लगता है। लोग समझते हैं संडे को हम बहुत सारे काम करेंगे, लेकिन संडे को ऑब्वियसली ज़्यादा काम होते हैं, लेकिन ये है कि मंडे से ज़्यादा होते हैं। पता नहीं कौन लोग हैं जो संडे को रेस्ट कर लेते हैं। संडे को बहुत ज़्यादा काम लोग होते हैं सबके। तो आज संडे था, हमारे घर सुबह सुबह आई थी किसी के घर से बिरयानी, और बिरयानी थी इतनी स्पाइसी और इतनी यमी थी, तो मैंने ठंडी खा ली थी एकदम से। बहुत ज़्यादा तो नहीं खाई थी बट खा ली थी, बोटियाँ तो सबसे पहले मैंने ही खा ली थी। बहुत यमी थी, जिसने आंटी ने भेजी थी, थैंक यू आंटी यार, बहुत मज़े की बिरयानी थी। और मैंने फिर आज मैंने कहा मामा मैं बनाती हूँ आपके लिए साग, मेरी मामा की फेवरेट डिश है। तो सबसे पहले मैंने किया उनका नुकसान, ऑयल गिरा दिया, तो जो कि उन्हें पता नहीं चला, पता चलेगा तो फिर डांट पिटेगी। ऑयल गिर गया था काफ़ी ज़्यादा, आधी बॉटल, तो मैंने जल्दी से टिश्यू से साफ़ करके उसे नीट कर दिया था। यहाँ पे मैं उनके लिए बना रही थी साग, काम थोड़ा किया, नुकसान मैंने उनका ज़्यादा किया, अच्छा सॉरी। तो यहाँ पे ये मैंने लहसुन को लाइट गोल्डन किया था, उसमें मैंने ऑयल डाल के उसको फ्राई किया था, नमक मिर्च कुछ नहीं थी पहले डाली, फिर मैंने टमाटर और अदरक को अच्छा सा गला लिया था। टमाटर को ही गलाना पड़ता, अदरक को तो नहीं गलाते। तो फिर ये साग को ग्राइंड करके रखा था, इसको पहले से ही मामा ने नमक मिर्च हल्दी डाल के गलाया हुआ था। इसमें कुटी हुई मिर्चें थोड़ी सी मैंने डाल दी थी और दैट्स इट, बस इसको फिर मैंने गला लिया था। फिर इसमें एंड में मैंने सॉल्टेड डाला, बटर मेरे पास था, अनसॉल्टेड हो तो वो आप डाल लें, क्योंकि मेरी मामा नमक तो खाती नहीं, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा बहुत डाल दिया था। तो बाकी बहुत यम्मी बना था, मुझे तो इतना पसंद नहीं है, लेकिन मैंने टेस्ट किया था, अच्छा था बहुत ज़्यादा। तो प्लीज़ काइंडली मेरी रेसिपी को आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपनी दुआ में याद रखिएगा, और मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।